द लास्ट मैथड जो कि हम डिस्कस करेंगे इसका वो है वर्क सैम्पलिंग दिस इज अनदर टेक्निक जो कि बेसिकली डिवेलप की थी टिपिट ने इंग्लैंड के अंदर इन नाइनटीन थर्टीज ये बेसिकली टेक्निक अगर इसको हम देखें तो इट्स लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू स्टॉप वॉच इसके अंदर कोई इतना वो नहीं इसके अंदर इतनी एक्सपर्टीज़ भी नहीं ज़रूरत जल्दी ट्रेन हो जाता है जो ऑब्जर्वर है या इसका मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि वो क्यों मैं कह रहा हूँ कि इसमें इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं होती स्टडीज़ के दौरान दुरा, डिले हो जाए इंटरप्शन हो जाए तो उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है ये इसके एडवांटेज के अंदर आता है जबकि स्टॉप वॉच के अंदर अगर आप एक को इस, उसका टाइम नोट कर रहे हैं और उसके अंदर कुछ इंटरप्शन आ जाती है तो वो आपका ऑब्जर्वेशन जाया जाएगी इधर ये वो असाब नहीं है आ, वर्कर आपके जो आ, ये है रिजल्ट उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं कर सकता फॉर एग्जांपल स्टॉप वॉच स्टडी का प्रॉब्लम ये था आ, औ, और अब भी है कि एक वर्कर अगर उसको ये ना पता हो कि ये स्टॉप वॉच स्टडी क्यों की जा रही है तो वो बेसिकली कैन गेट एजिटेटेड क्यों वो ये समझेगा कि उसका शिकायत चली गई है कि काम वो ठीक नहीं करता तो इसलिए उसको स्टडी किया जा रहा है कि वो टाइम वो काम ठीक कर रहा है ज़्यादा वेस्ट तो नहीं कर रहा है. तो उससे वो फिर उसको एजुटेशन होती है और अगर आप उसको बता दें कि जी ये और जो कि बताना चाहिए कि प्रॉब्लम ना तो उस केस के अंदर वो जो वर्कर है वो अ, हो सकता है कि स्लो करना शुरू कर दे सो दैट टाइम स्टैंडर्ड जो है वो ज़्यादा आ जाए और उससे जो वर्कर्स हैं बाकी उनको फ़ायदा हो कि वो वो अचीव कर लें अपना टारगेट जो है तो उसमें बोनस वगैरह मिलेगा तो उस वजह से फिर वो परफॉर्मेंस रेटिंग का रोल आ जाता है इम्पोर्टेंट तो ये उसका लेकिन वर्क सैम्पलिंग के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है और ये लेस इंट्रूसिव होता है वर्कर अपना काम कर रहा है उसको पता भी नहीं होता होता कि भाई वो ऑब्ज़र्व करके वो ऑब्जर्वर चला गया आ, इसका जो डिसएडवांटेज हम कहेंगे वो बेसिकली इसके अंदर ये है कि ये ज़्यादा वो क्या कहते हैं वर्क एलिमेंट्स में डिवाइड एक जॉब को इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकते ठीक है जैसे टाइम स्टडीज़ के अंदर हमने वर्क एलिमेंट में किया बायस रिजल्ट्स हो सकते हैं अगर हम रैंडमनेस को इंक्लूड ना करें आर, रैंडमली हम टाइम सेलेक्ट ना करें ऑब्जर्व करने के लिए और ये टाइम uh, स्टडी के मुकाबले में लेस एक्यूरेट होता है इसलिए इसके लिए सैम्पल बहुत बड़ा हमें चाहिए होता है uh, इसके अंदर बेसिकली uh, जो प्रोसीजर है वो ये होता है कि आपने एक तो पहले डिटरमिन करना होता है कि आपने किस चीज़ को वैल्यूएट करनी है ठीक है uh, उसके अंदर बेसिकली uh, कुछ आप वो कंडक्ट करेंगे आपने उसका सैम्पल साइज़ कैलकुलेट करना होता है कि जी कितना सैंपल साइज होना चाहिए जो कि हम इसको फिर ऑब्जर्व करें उसके अंदर फिर शेड्यूल बनाना होता है रैंडमनेस के बेसिस के ऊपर रैंडम नंबर जनरेट कर कर उसका शेड्यूल बनता है कि किस टाइम पर आपने उसको ऑब्जर्व करना है आप एक फिक्स टाइम नहीं ले सकते उसके अंदर रैंडमली जनरेट होता है कि आपने जाकर उसको ऑब्जर्व करना है करना ये होता है कि आपने एक चार्ट बनाया होता है उसके ऊपर जो उसने एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है जो आपके ख्याल में जो है इंपॉर्टेंट वो आप लिस्ट डाउन कर लेते हैं ठीक है और उसके बाद फिर आप प्री डिटर्मिन टाइम जो आपने डिटर्मिन किया है उस टाइम पे जाकर आप वर्कर uh, को ऑब्जर्व करते हैं फर्स्ट इंस्टेंट में जो नजर आता है कि वो कर रहा है आप उसको टिक करते हैं एंड देन यू यू डोंट वेट कि वो वो परफॉर्म कुछ करने लगे तो मैं करूँ नहीं आप जाएंगे अगर वो आइडल बैठा हुआ है यू विल जस्ट टिक आइडल अगर वो टेलीफोन पर है यू विल टेक के जी वो टेलीफोन पर था बट यू विल हैव टू डिटर्मिन के कौन सी एक्टिविटीज आपने नोट करनी है और किस चीज के लिए ये आप कर रहे हैं ठीक है uh, ये वर्क सैम्पलिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं एंड देन आप डिटर्मिन करते हैं कि जी वर्कर जो है वो एक्चुअली कितना टाइम स्पेंड कर रहा था किस चीज़ के अंदर यूजली ये हम यूज़ करते हैं अलाउंसेज वगैरह डिटर्मिन करने के लिए उसके अंदर क्या अलाउंसेज होने चाहिए क्या उसको वो कितना मिलना चाहिए इस वर्क स्टैंडर्ड डेवलप करने के लिए अलाउंस हम कितना दें तो यूजली इसके लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है और उसके अंदर ये कि आइडल कितनी बैठा रहता है वर्कर या कोई ख़ास जॉब के अंदर वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है तो वो वैल्युएट करने के लिए वो डिटरमिन करने के लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं